नमस्कार। तो एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर आपका खास शो मेरा गांव मेरा देश है का यूपी एडिशन। जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है वैसे वैसे एक नई नई बात निकलकर सामने आई है कि इस बार चुनाव पूरी तरह से डिजिटल रूप से प्रचार और प्रसार के माध्यम से होगा। तो ऐसे में चुनौतियां भी नहीं है लेकिन इन चुनौतियों में हम भी साथ हैं। हम भी यहां पर क्या कुछ काम हुए हैं या कुछ काम नहीं हुए हैं या जो 2017 में वादे और दावे किए गए थे क्या वो जमीनी पटल पर नजर आए या फिर सब हवा हवाई बातें थी। तो इन सभी को दर्शकों को दिखाने और बताने के लिए हम हाजिर हैं और आज एक नई विधानसभा है हमारे पास। आज हम बात करेंगे बदायूं की सदर विधानसभा की। सदर विधानसभा का मतलब शहर की विधानसभा। तो बदायूं शहर में जो बातें की गई थी 2017 में क्या उन बातों पर मुहर लगाती है यहाँ की जनता, क्या वो बातें क्या वो दावे वो सब यहाँ हुए या नहीं हुए, क्या महेश गुप्ता जी जो प्लान लेकर आए थे 2017 में जो उन्होंने सपना दिखाया था बेहतर बदायूं का, क्या बेहतर बदायूं बना या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि महेश गुप्ता जी की एक बार फिर से टिकट कंफर्म हो गई है। वो बदायूं सदर से ही चुनाव लड़ेंगे, वो बदायूं शहर सीट से ही बीजेपी की तरफ से चुनाव के कैंडिडेट हैं। 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में महेश चंद्र गुप्ता ने आबिद रजा खान को हराया था। आबिद रजा खान जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, महेश चंद्र गुप्ता को मिले थे 87,314 वोट और आबिद रजा खान को मिले थे लगभग 70,000 के आसपास वोट। इसके बाद बीएसपी के कैंडिडेट थे। तो आपको बीते कुछ चुनावों की बात बताता हूं। बीते कुछ चुनावों में दिखाऊं तो 2017 में बीजेपी जीती, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। 2012 में सपा जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2007 में बीजेपी जीती, सपा दूसरे नंबर पर रही। 2002 में बीएसपी जीती और सपा दो नंबर पर रही। 1996 में बीजेपी जीती और सपा दूसरे नंबर पर रही। 1993 में समाजवादी पार्टी जीती और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। लेकिन यहां पर शहर सीट में मुख्य टकराव रहता है बीजेपी और समाजवादियों के बीच। तो इस बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य टकराव होने जा रहा है। ऐसे में बदायूं सीट से क्या हालचाल है सब तस्वीरों के साथ हमारे साथ हाजिर हैं हमारे जमीनी संवाददाता विजय राठौर जी। आज विजय राठौर जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जमीन पर कितना कुछ काम हुआ है और कितना कुछ काम नहीं हुआ है। जो 2017 में जो बातें की गई थी, जो दावे किए गए थे, जो वादे किए थे गए थे, वो क्या महेश गुप्ता जी पूरे कर पाए, क्योंकि टिकट दोबारा मिलना ये कहता है कि कम से कम पार्टी उनसे खुश है। जी विजय जी। हाँ जी, अगर एक बार बता दूं आपको कि बदायूं सदर से जो है महेश गुप्ता 2017 में समाजवादी पार्टी के आबिद रजा को हरा करके जो है उन्होंने बदायूं सदर सीट पे जो वर्चस्व बनाया था, आज एक बार बीजेपी ने फिर उन पर भरोसा जताते हुए 2022 के जो है उनको फिर से जो है नाम घोषित किया है। और आपको बता दें कि महेश चंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश सरकार में क्योंकि विधायक ही नहीं वो यहाँ प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे। और आपको बता दें 2017 में जो वादे करके जनता के बीच आए थे कहीं ना कहीं देखिए सरकार तक तो वो ठीक पहुंचा है कि सरकार तक जो संदेश गया था महेश जी का वो तो उत्तर प्रदेश सरकार में सही था, क्योंकि अगर ऐसा प्रदेश सरकार उन पर भरोसा नहीं करती तो 2022 में उनको पुनः जो है अभी टिकट नहीं करते। और बता दें कि जनता के बीच कितना कुछ हुआ है, जनता के बीच जो वादे लेकर के गई कहीं जनता खुश है तो कहीं नाराज भी है। नाराजगी इसलिए है क्योंकि जो वादे करके सड़कों में या फिर शिक्षा में या सुरक्षा के वादे को लेकर के जिस तरह से जनता ने उनको चुना था इस तरह से कुछ नाराजगी भी देखने को मिलती है। अगर बात करें सदर सीट की तो सदर सीट में महेश जी ने जो शहर के अंदर कार्य किया है तो शहर में आपको बता दें रामसेवक पटेल जिन्होंने भूमि अतिक्रमण में एक इतनी बड़ी बिल्डिंग जो महेश जी के नेतृत्व में ही धराशायी हो गई और लाबेला चौक को एक जो है बेहतर बनाने का काम महेश जी ने किया। मगर कहीं ना कहीं ग्रामीण अगर अंचल की बात करेंगे तो जिस तरह से जनता को उम्मीदें थी उस तरह की उम्मीदें लेकर के कहीं ना कहीं जो है खड़े नहीं उतर पाए। बिल्कुल जी, और जो शहर सीट जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि जब भी बदायूं का जिक्र होता है तो सबसे पहले इंसान पहुंचता है तो शहर में ही पहुंचता है। अब आप ये बताइए क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं की जब हम बात करते हैं तो एक चीज निकलकर सामने आती है, सड़कों को लेकर इंसान बहुत दुखी है।
जैसे आज से अगर हम दो दशक पहले जाएं तो लोग बिजली को लेकर बड़ा परेशान थे, तब सड़कों की तो बात ही छोड़िए, तब तो जो बंटाधार था लेकिन बिजली को लेकर बड़ा परेशान थे लोग। आज जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग सड़कों को लेकर बड़ा परेशान है, क्योंकि अब क्या है ना कि चीजें बढ़ गई, अब लोग आना जाना नौकरी पैसे के लिए इधर उधर ज्यादा आना जाना होता है, लेकिन ऐसे में सड़कों की जो हालत है वो काफी खराब है। उत्तर प्रदेश में कई विधानसभाओं की बात करें, बदायूं शहर का क्या हाल है? देखिए, बदायूं शहर का अगर कहा जाए तो उतना खराब नहीं, मगर मिला जुला जो असर है उस तरह से कि कहीं सड़कें टूटी हैं तो कहीं गड्ढे, कहीं सड़कों, कहीं गड्ढों में सड़क नजर आती है तो कहीं सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं। ये तो एक मिला जुला वो है कहा जाएगा, मगर जिस तरह से विकास होना चाहिए था बदायूं जनपद में, जिस तरह से जनता ने भरोसा एक जताया था महेश गुप्ता को लेकर के कि महेश जी अगर सदर विधानसभा से आएंगे तो एक किस तरह का यहाँ से जो है विकास हो सकेगा, उस तरह से विकास देखने को सदर में नहीं मिल रहा है। उस तरह का विकास नहीं है जैसा सोचा था, उतना कुछ कमाल नहीं किया है। तो ऐसे में विजय जी आसपास कुछ लोग भी देखेगा, उनसे भी हम माहौल समझेंगे कि माहौल क्या है, लेकिन एक चीज आप बताते चलिएगा कि कोरोना काल पहला, दूसरा और तीसरे के तो मुहाने पे हम लोग खड़े हैं, इस बीच स्वास्थ्य को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का क्या रहा, या पूरी तरह से धड़ाम हुई या फिर ठीक ठाक चला लिया गया, खींच लिया गया काम? देखिए, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो पहली जो लहर थी उससे कहीं अपेक्षा दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया था, सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौतें हुई, कुछ आंकड़े तो जो है स्वास्थ्य विभाग ने दिखाए ही नहीं, उसको देखते हुए अगर जैसे आज का माहौल किया कहा जाए, 2022 के चुनाव को देखते हुए जो माहौल को देखा जाए, उनमें कहीं ना कहीं जो है जनता के प्रति भय नहीं है, या तो वो चुनावी सियासी माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कोरोना से जिस तरह से 2020 में आंकड़े बढ़ रहे थे, जिस तरह से महामारी ने अपने पैर पसारे थे, जिस तरह से मौतों का आंकड़ा देखा जा रहा था, शमशान घाटों पे लंबी लाइनें थी, ठीक है, जलाने के लिए उनको लकड़ी या अन्य तरह की तो तब से उनको दफनाने का या नहीं किया गया था, तो अगर देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से कोरोना की वेव बढ़ रही है, जिस तरह से महामारी का आचर बढ़ रहा है, वो 2022 की बात की जाए, अधिकरण की बात की जाए, तो जैसे बदायूं के जनपद की बात की जाए तो 117 मामले नए कल आए हैं। उन 117 मामलों से देखा जाता है कि हर विधानसभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, हालांकि प्रशासन ने सख्ती कर दी है, उसके बावजूद भी कहीं गुपचुप तरीके से रैलियां सभाएं ठीक है वो सब हो रहा है। अब पिछली अगर बात की जाए तो जिस जो व्यवस्था बदायूं के अंदर चाहिए थी स्वास्थ्य को लेकर के, वो व्यवस्था जो है देखने को नहीं मिल पा रही है, आज भी वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, मतलब उतना सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। लेकिन विजय जी, एक और चीज है, जिस तरीके से अब सियासत जो हो रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में भागम भाग का सिलसिला पूरे बीते हफ्ते देखा हमने, भागम भाग बहुत है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर फिलहाल की बात करूं तो। ऐसे में क्या बदायूं शहर सीट पर भी कोई ऐसी स्थिति बनी कि टिकट कटने की जो बात चल रही थी, लगातार कयास और अटकलें का बाजार गर्म है कि बीजेपी के 100 विधायकों की, लगभग 100 विधायकों की टिकट कट सकती है, ऐसे में काफी लोग हैरान परेशान भी है। बदायूं से पहले से स्पष्ट था कि महेश गुप्ता जी को एक बार फिर टिकट मिलेगी? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जो जनता अनुमान लगा रही थी, बाकी लोग आंकड़े लगा रहे थे कि अगर जो पहले के समीकरण रहे थे, जैसे जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से छोड़ के गए, वो उनके यहाँ पर पंडित आर के शर्मा बिरसी विधायक छोड़ करके गए, अगर देखा जाता अगर पहले के जैसे समीकरण बने रहते तो कहीं ना कहीं महेश जी का टिकट कट सकता था, मगर जिस तरह से बीजेपी में जो अंदर खाने भय है, जिस तरह से पूरा का पूरा एक कुनवा कहा जाए बड़ी संख्या में लोग छोड़ के चले गए, तो उसको देखते हुए देखिए जैसे बदायूं में पंडित आर के शर्मा गए, तो पंडित आर के शर्मा की भरपाई करने के लिए डॉक्टर शैलेश पाठक, जो कि दातागंज से संतोष कुमारी पाठक पूर्व में रही थी कांग्रेस से विधायक, उनके बेटे हैं, अब उनको देखिए बदायूं के अंदर एक ब्राह्मण चेहरा चाहिए था बीजेपी को, वो ब्राह्मण चेहरा लेकर के अब बदायूं में आ गए बीजेपी। तो दो दिन पहले तो ये अटकलें थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरा लाने के लिए पंडित आर के शर्मा जो छोड़ के गए हैं उस सीट पर जो है शैलेश पाठक को उतार सकती है, मगर जो आज देखने को मिला, जैसे सहसबान से डीके भारद्वाज को चुना, और बाकी जब जैसे हरीश साक को जो है बिलसी सीट से निकाल दिया, बाकी जीव की सीट
जो पहले से विधायक थे पुनः उन्हीं को जो है टिकट दे दिया गया। अच्छा एक चीज और समझाइएगा कि आपने जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की जो बेटी हैं संगमित्रा मौर्य वो आपके बदायूं से सांसद हैं, तो ऐसे में अगर पिता समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे तो बेटी करेंगी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार, तो ये टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नुकसान कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान फंसेगा? देखिए हालांकि कल एक इंटरव्यू में जो संगमित्रा मौर्य कह रहे थे कि पिताजी का अपना फैसला है, वो जहां गए हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, नहीं एक चीज नहीं एक चीज एक चीज विजय जी आपको थोड़ा सा रोकने के लिए, जैसे आपने कहा कि संगमित्रा मौर्य जी ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि वो पिताजी का अपना फैसला है, लेकिन पिताजी फैसले के साथ जो बयानों की झड़ी लगा कर गए हैं कि बीजेपी में ना दलितों का कुछ है ना वंचितों का कुछ है शोषितों का कुछ नहीं है, जब बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है इनके लिए, तो फिर संगमित्रा मौर्य कैसे कहेंगे कि इन सब के लिए हम कुछ करेंगे? बाप बेटी दोनों आपस में ही अलग अलग विचारों के साथ। उन्होंने संगमित्र मौर्य का जो जवाब था वो कह रहे थे कि मैंने जो मेरे पिताजी जिस चीज से मान लीजिए उनको जो करने का प्रयास था दलितों को वंचितों को पिछड़ों को जो करने का उनकी वो थी, तो वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए, तो उनको मैं उन्होंने यूपी सरकार पे भी कुछ ना बोलते हुए सीधे मोदी जी को कहा कि मैं मोदी जी हमारे नेता हैं और मोदी जी जैसा उन्हीं के आदेश अनुसार मैं कार्य कर रही हूँ उन्हीं के आधार पे चलूंगी, किसी भी दलित तो पिछड़े पर कोई अत्याचार ना हो किसी तरह की उसे दिक्कत ना हो उसको देखते हुए मोदी जी काम कर रहे हैं उसी पायदान पे या उसी उस पर मैं जो है काम कर रही हूँ जी बिल्कुल वो और मेरा वो मेरा बीजेपी छोड़ के कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं बीजेपी छोड़ के जाऊंगी, वो जहां गए चले गए मैं जहां हूं ठीक हूं। हाँ अभी उनके पास वक्त भी है, 2024 तक का वक्त है, 2024 में चुनाव होंगे तब तक देखेंगे कि क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। लोगों को याद जो है ये पिछड़ा ये स्क्रिप्ट देखिए आप विजय जी स्क्रिप्ट देखिएगा, जितने भी लोग जाए हैं दारा सिंह चौहान की बात करूं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं जितने भी बड़े मंत्री वगैरह जा रहे हैं बड़े नेता जा रहे हैं अपना लगेज लेकर जो साथ में जा रहे हैं और भी विधायकों को लेकर सबकी स्क्रिप्ट सेम है। आचार संहिता लगने के बाद ऐसी स्क्रिप्ट अमूमन हम देखते हैं आजकल चुनावों में देखने को मिलती है कि नेताओं को एकाएक याद सताने लगती है कि पिछड़ों का तो कुछ हुआ ही नहीं पिछले 5 सालों में, चलो अब दूसरी पार्टी में चलते हैं। तो ऐसे ऐसे मौसम वैज्ञानिक भी काफी हैं। विजय जी आसपास देखेगा कोई अगर लोग होंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है, जमीन से माहौल बड़ा पकड़ता है। मैं जिस जगह हूँ कुछ भैया बैठे हुए हैं, मैं बात करता हूँ कि बदायूं सदर विधानसभा सीट पर हाँ किस तरह का जो है माहौल रहा जी मदन जी मैं नाम जानना चाहूंगा और किस तरह का बदायूं सदर पे जो माहौल रहा। मेरा नाम मदनलाल है। बदायूं सदर विधानसभा सीट से जो माहौल की बात की जाए तो वास्तविकता में जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं और इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पब्लिक का रुझान किधर को जाए, पब्लिक चुप है एक तरह से चुप है बिल्कुल और कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि वोट कहाँ देंगे और किसकी सरकार बनेगी ये भी अभी क्लियर नहीं। 2017 में जब सरकार बनी थी और जनता को एक उम्मीदें थी कि शहर का जो है माहौल बदलेगा, शहर के जो हालात बदलेंगे, जिस तरह से रोड खराब है बड़ी समस्याएं जनता को होती है, तो क्या उसमें कुछ सुधार हो पाया? नहीं शहर की बात अगर करें तो शहर में तो कोई विशेष अगर देखा जाए शहर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, सड़कें बहुत ज्यादा टूटी हुई हैं, जाम की समस्याएं हैं, मतलब पब्लिक परेशान है अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा जाम आए दिन जाम लगते हैं। विजय जी पूछेगा परेशान है तो परिवर्तन करेगी क्या पब्लिक, मूड में है परिवर्तन के बहुत ज्यादा। मदन जी जैसे जो वादे करके सरकार आई थी तो वो अब पूरी नहीं कर पाई, तो क्या लगता है परिवर्तन करेगी जनता, परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल परिवर्तन तो चाहती है जनता, पूरी तरह से जनता के मूड में जो अंदर है वो ये चाहती है अंदर के परिवर्तन परिवर्तन चाहती है, बहुत कुछ उम्मीदें हैं आने वाले समय में जनता के लिए और वो वास्तविकता ये है कि वो परिवर्तन करने करेगी। ठीक है जनता ने ठान लिया है परिवर्तन करके रहेगी। विजय जी आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ कुछ युवा नजर आ रहे हैं, कुछ युवा चेहरे लड़के नजर आ रहे हैं पीछे, इनसे जरा इतना पूछिएगा कि शिक्षा को लेकर क्या चल रहा है, बेरोजगारी क्या है, क्या समझते हैं लोग रोजगार और बेरोजगारी से? देखिए जिस तरह से शिक्षा की उम्मीद थी अच्छी शिक्षा हो सकती थी बीच बीच भाजपा शिक्षा की तरफ आई थी, तो शिक्षा में कितना सुधार है? कितना सुधार है
गांव की अगर जैसे बजट की बात की जाए तो गांव में किस तरह की शिक्षा? गांव में तो कोई तरीका ही ना शिक्षा, तो क्यों, क्या कारण है? कारण यही है कि कहा सब लॉकडाउन में लग पाएगा। अच्छा, बात रोजगार की आती है तो युवाओं के लिए, युवाओं के लिए जो समस्या है, बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तो क्या क्या लगता है बेरोजगारी में कठिनाई? अच्छा, बेरोजगारी पे मेरे साथ भैया और भी हैं, क्या रोजगार? बहुत बढ़िया रोजगारी है, मोदी चला ना रहे हैं, हम भारत में भूंज रहे हैं, मजे चबा रहे हैं जनता को और कर रहे हैं जनता को। हाँ हाँ, किस तरह से? अरे चना चबा रहे हैं, नमक पे आ रहे हैं, डांट के मार खाओ। और नहीं नहीं, आप जो बात कर रहे हैं इस समय जो है राशन की बात? हाँ, राशन बहुत बढ़िया मिल रहे हो गाँव में, चना बड़ो बारो मिल रहा हो, मजे जबो और आओ। हमारे साथ युवा भैया है और रोजगार की बात करेंगे कि कितना रोजगार जो है हुआ है। रोजगार कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, मैंने भी इंटर तक लिया, मैं भी कोई रोजगार नहीं मिला है। इंटर कहाँ? ये गनवोला दादर। अच्छा, अभी तक कोई रोजगार? कोई रोजगार। क्या लगता है परिवर्तन करेंगे? ठीक है, जब 5 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? 2022 में किसकी सरकार? 2022 में अगले की बनाएगी। कहीं ना कहीं युवाओं को जो उम्मीद थी सरकार से, और एक युवाओं को लग रहा था कि बड़ा रोजगार का जो है रास्ते खुलेंगे, बड़े रोजगार के रास्ते खुलेंगे, वो सब जो है नहीं देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और विजय जी, अगर कोई वहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति हो तो उससे ये जानने की जरूर कोशिश करेगा कि आज हम जो देख रहे हैं आज की परिस्थिति में बीजेपी में जो भागम भाग मची है, और अखिलेश यादव के कुनबे में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनसे जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये एक तरीके से संकेत देता है कि अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में है? जी, हमारे साथ दादा पहले नाम जानना चाहेंगे। रसूला जी, जिस तरह से भाजपा को लोग छोड़ करके जा रहे हैं, भागम भाग मची है, क्या लगता है कहीं अखिलेश सरकार मजबूती पे है? तो जैसे अभी 5 वर्ष उन्होंने यहाँ काटे, और एक आप जैसे बता रहे हैं मलाई काट के चले गए, तो अखिलेश की क्या मजबूती अधिक है बीजेपी से? क्या लगता है सपा मजबूत पड़ रही है? जी काबिन जी, चलिए विजय जी, एक चीज और यहाँ देखने जाएंगे। आपने जैसे कि बताया कि टिकट जो है एक बार फिर कंफर्म हो गया, कि एक बार फिर जो है प्रत्याशी गुप्ता जी ही है, लेकिन ऐसे में ये जरा बताइएगा कि हम कई जगह देख रहे हैं कि विधानसभाओं में क्या है कि टिकट कंफर्म हो रहा है तो, लेकिन गुटबाजी बहुत देखने को मिलती है, तो ऐसे में बीजेपी के जो समस्त कार्यकर्ता हैं सदर के, क्या सब खुश हैं, या जो और जो दावेदारी कर रहे होंगे टिकट की, उन लोगों को मायूसी हाथ लगी है? देखिए, अगर सदर की बात की जाए तो बदायूं सदर पे है, जिस तरह से अन्य दावेदार थे, तो देखिए मायूसी तो एक लाजमी है कि व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया तो वो तो मायूस होगा। और देखने को अभी थोड़ी देर पहले ही हालांकि सूची आउट हुई है, तो उसके आधार पर अब नाराजगी जाहिर होगी। लाजमी क्या लगता है नाराजगी, नाराजगी देखिए तो क्या लगता है विजय जी, नाराजगी कहां तक पहुंचेगी? बागी होंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, या दूसरी पार्टी में भी जाएंगे? देखिए कवेन जी, ये तो बड़ा कहा जाए तो लाजमी रहा है, जिस जो पार्टी से जो लोग लगे हैं, जैसे अगर भाजपा से अन्य लोग लगे जिनको टिकट नहीं दिया गया, तो अब वो विपक्ष में भी जा सकते हैं, बागी भी होंगे, ठीक है, निर्दलीय भी आएंगे, तो ये तो सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, और ये तो सही है कि नाराजगी तो होगी। ठीक है, और अपराध के पैमाने पर क्या कहता है बदायूं सदर? अपराध को लेकर काफी मुद्दा बनाया जाता है, बीजेपी कहती है कि सपा के काल में तो सड़कों पर अपराध यूं ही दिखता था, सरेराह सरेआम लोगों को लूटा जाता था, लूट खसोट होती थी, तो अब ऐसे में आज की स्थिति क्या कुछ कहती है?
देखिए अगर पिछली सरकार को सरकारों की बात की जाए तो देखिए वहाँ बदायूं अगर सदर की बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरह से पिछली सरकारें रहीं उनसे वर्तमान सरकार ने देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बदायूं ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश में जो इस तरह से अपराध का अगर ग्राफ उठाकर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कम है। और बदायूं सदर की बात की जाए तो जिस तरह से पूरे यूपी में लगाम लगी है अपराधों से तो बदायूं में भी कुछ हालात कुछ हद तक जो है सुरक्षित है। पहले की अपेक्षा जैसे सरकारों पर रोड पे अपराध राह चलते अपराध वो सब समस्या लगभग समाप्त तो नहीं कहेंगे मगर कुछ हद तक निजात है। बाकी जो है यहाँ लोगों से चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह का जो है माहौल है सुरक्षित है कि नहीं है। बिल्कुल अगर सदर की बात की जाए तो बदायूं अपने जनपद में किस तरह का माहौल है सुरक्षा को तो देखा जाए तो पिछली सरकारों की अपेक्षा कितने सुरक्षित है लोग। सुरक्षित तो है खैर मगर कार्य कोई विकास का कार्य कोई नहीं हुआ है। ठीक है जो विकास होना चाहिए पूरी सत्ता में सरकार है ऊपर से नीचे तक है कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे अपराधियों की बात आती है तो अपराधों पे किस तरह से अपराध तो किसी सरकार में कम नहीं होते हैं किसी में कम 20 होते हैं किसी में 18 होते हैं किसी सरकार में कम नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है 2017 से योगी सरकार आई तो कुछ अपराध कम हुए? थोड़े अपराध कम हुए उतने ही गायब बाजारों ने अपराध बढ़ा दिए। तो शिक्षा में भी बच्चे स्कूल नहीं गए पूरी पूरी साल स्कूल बंद रहे हैं। ठीक है नौकरी है युवाओं के लिए पढ़े लिखे स्कूल में फेल ही हो गए क्या है फिर पढ़े लिखे पेपर दिए गए हैं पास कर दिए गए तो कहीं ना कहीं खामियां लगती हैं सरकार में खामियां हैं। जी कावेन जी चलिए बहुत खूबसूरती के साथ आपने पूछा और लोग बताने को अभी दरअसल झिझकते हैं लोग खुलकर नहीं बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन विजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर जो विधायक जी हैं गुप्ता जी उनकी जो डायरेक्ट फाइट है वो किससे है? देखिए अभी जो तय कर पाना क्योंकि भाजपा ने पत्ते खोले हैं कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटों पे अपने पत्ते खोले हैं बाकी अभी देखिए देखना तो ये होगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो अपने किस प्रत्याशी को उतारती है तब कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि फाइट में कौन है। जो पिछली दफा थे 2017 में उनका क्या चल रहा है? जो पिछली दफा 2017 में थे तो दूसरे नंबर पर रहे थे 70,000 वोट पाकर आबिद जी। देखिए अगर आबिद रजा की बात की जाए तो देखिए अगर वो उनका जो है अभी सपा से किसका टिकट होता है देखिए फाइट अगर यूपी की बात करें तो बदायूं ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि जिसकी भी फाइट होगी वो देखिए सपा से ही होगी समाजवादी पार्टी से। सिर्फ समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी थी वो अब समाजवादी पार्टी नहीं रही क्योंकि अब जो उसके साथ मजबूती है इस तरह से मंत्री उनके साथ हैं इतने धुरंधर चेहरे देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चीज कही थी कि जिस पार्टी को मैंने छोड़ दिया या जिस पार्टी को मैंने छोड़ दिया वो पार्टी नेस्त नाबूद हो गई यानी एक तरह से समाप्त होने के कगार पे पहुंच गई। उन्होंने जिक्र किया था 2017 से पहले का कि मैं बीएससी को छोड़ के आया था और आज भाजपा छोड़ी है मैंने तो भाजपा जो पार्टी छोड़ के तो फाइट तो कहीं ना कहीं सपा की और बीजेपी की तो रहनी। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं वो समाजवादी पार्टी का किस कौन कौन से चेहरों से यहाँ दाव खेलेगी उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फाइट किस किस के बीच रहेगी। जी बिल्कुल आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे साथ ही साथ एक और चीज विजय जी व्यंग के तौर पर अगर उसको ले तो आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो नेस्ता नाबूद हो गई अब बीजेपी को छोड़ा है वो भी नेस्ता नाबूद हो जाएगी तो संघ मित्र मौर्य जी का भविष्य क्या है इसको लेकर शायद थोड़ा सा सजग नहीं है पिताजी संघ मित्र मौर्य जी के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका तमाम जानकारियों के लिए बातचीत के लिए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम बात कर रहे थे बदायूं की सदर सीट की वहां पर क्या कामकाज हुआ क्या कामकाज नहीं हुआ जनता क्या सोच रही है माहौल क्या है जमीनी तस्वीरें क्या है जमीनी काम क्या कुछ हुए क्या नहीं हुए और बाकी जो सत्ता का टेम्परेचर है वो वहां पर कितना हाई या कितना लो है ये सबको जानने समझने की कोशिश की और आपको एक पूरा लबोलुआब दिखाया कि बदायूं सदर क्या कुछ कहता है क्या कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं। हालांकि जब मतपेटियां खुलेंगी तो फिर सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा लेकिन उससे पहले अभी क्या कुछ चल रहा है यह दिखाने की एक छोटी सी कोशिश थी। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए शुक्रिया।